हम जरा मदिया के पास देखकर चलते हैं। वो जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी की तरफ से रणनीति ये बनाई जा रही है कि साहब जितने आरोप और जितने आरोपों के कटघरे जिसपे बीजेपी खड़ा कर रही है उसको लेकर जनता के बीच सीधे जाया जाए और जनता को ये बताया जाए कि सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद है। लेकिन यहां जहां मदिया मौजूद है यहां पर बीजेपी की तरफ से घेराबंदी की तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त तैयारी नजर आ रही है और सीधे अरविंद केजरीवाल और उनके शीश पहल को लेकर खासतौर से वो जो मॉडल सीपी पर बीजेपी ने रखा है और उसके जरिए बीजेपी जो अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रही है। मदिया जरा तस्वीरें दिखाइए और अगर कोई बीजेपी का नेता वहां पर मौजूद है तो उससे बात भी कीजिए। बिल्कुल रुमाना जी, आज प्रदर्शन हल्ला बोल दिल्ली बीजेपी की तरफ से और बड़ी प्रदर्शनी दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर लगाई गई है। बड़ी बड़ी तस्वीरें यहां पर हैं जिसको इन तस्वीरों को कहा जा रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल के बंगले की इसी तरह के कुछ एक्स्ट्रा रूम्स, डाइनिंग एरिया, बैठक रूम, ड्राइंग रूम जो है वो अरविंद केजरीवाल के बंगले के अंदर है और इसी मुद्दे को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को घेरा जाता रहा है और आज भी उसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन है। और आखिर एक तरफ मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल सभी मंच पर बैठे हैं जंतर मंतर पे, तो वहीं दिल्ली बीजेपी हल्ला बोल रही है, प्रदर्शनी लगा रही है, प्रदर्शन कर रही है। यहाँ मेरे साथ राजकुमार आनंद मौजूद हैं जो कि कैबिनेट मंत्री थे और उसके बाद वहां से आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए। वहां मनीष सिसोदिया इस वक्त मंच पर है, उन्होंने कहा कि जब वो जेल में थे, जब इंक्वायरी चल रही थी तब उनसे कहा गया अरविंद केजरीवाल का नाम ले लो बच जाओगे, इस तरह की बातें वो मंच से इस वक्त कह रहे हैं। किस तरह से देख रहे हैं और क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, आज देखिए उनकी मजबूरी है बड़ी क्योंकि उनको पता है कि उनके राजपाट जाने वाले हैं तो आज कुछ भी वो कहेंगे। लेकिन आप ये समझिए कि इतनी बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे हैं कि मैं एक बम चलाऊंगा, कल को इतना बड़ा बम होगा कि दिल्ली दहल जाएगी और दोबारा से हमें 70 सीटें मिल जाएंगी। ऐसा कोई बम नहीं चला क्योंकि दुनिया को पता था कि आतिशी ही संभाल रही है दिल्ली को और आतिशी ने फिर संभाला, ठीक है, या तो कोई और लेकर आते ऐसा आदमी जिसको कभी लोगों ने यूज़ ना किया हो। अरे ये तो मंत्री फेलियर मंत्री है, आतिशी एक फेल मंत्री हैं, उन्होंने आपने साथ काम किया है, जाहिर सी बात है आप इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आज यहाँ पर हल्ला बोल प्रदर्शन चल रहा है, क्या मैसेज देने की कोशिश? कुछ वक्त में चुनाव होंगे अब दिल्ली के, तो किस तरह से घेराबंदी जो आप लोग कर रहे हैं तो क्या लगता है जनता जो है अब आप लोगों का आशीर्वाद? देखिए अरविंद केजरीवाल जी जेल याफ्ता और बेल याफ्ता इंसान है, उनको इस्तीफा देने के अलावा अभी कोई रास्ता नहीं था क्योंकि इस तरह की बेल, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है, इट इज़ अ सस्पेंशन ऑफ अ ऑफिसर। जब किसी ऑफिसर को सस्पेंड करते हैं तो उसको यही तो शर्तें लगाते हैं कि आप ऑफिस नहीं जा सकते, तनख्वाह पूरी मिलती है, आप ऑफिस नहीं जा सकते, आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, बला बला, तो वही सब इनके ऊपर शर्तें हैं। तो ये सस्पेंडेड आदमी थे तो इनको और कोई रास्ता नहीं था, इनको इस्तीफा देना ही था, किसी और को बनाना ही था और आतिशी चूँकि पहले ही संभाल चला रही थी आज भी उनको दे दिया तो कोई नई बात नहीं है। मैंने जो पहले इस्तीफा दिया था वो इस बात पर दिया था कि दलित कल्याण निधि का करोड़ों रुपया इन्होंने डाइवर्ट करके दूसरी चीज़ों में खर्च कर दिया, उसका मुझे हिसाब चाहिए था। जब मैं हिसाब उनसे मांग, हिसाब तो क्या मांगता, जब भी मैं इस बारे में बात करता था वो उसे टाल जाते थे जी। तो मुझे ये बताइए कि बाहर जो एक मॉडल लगा हुआ है रुमाना जी, बाहर एक बड़ा मॉडल उस बंगले का लगा हुआ है जिसको लेकर एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बीजेपी जो है वो बना रही है दिल्ली में, लगातार उस पर हल्ला बोल रही है। यहाँ राजकुमार आनंद जी हैं। सर ये बताइए, एक बड़ा मॉडल आप लोगों ने यहाँ ला के रखा हुआ है, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए ये तो ड्रोन से लिया था, एक बार किसी टीवी पे मैंने देखा था, बिल्कुल सेम था, इसमें कोई बिल्कुल इसमें कोई भी तब्दीली नहीं है, ये सेम बंगला है। वो कहते हैं वो कट्टर ईमानदार हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं? वो कट्टर ईमानदारी की बातें करते थे इसलिए लोगों ने उनको इतना प्रचंड बहुमत दिया था, लेकिन बाद में लोगों को अब पता, अब जाके पता लगा है कि इनसे बड़ा भ्रष्टाचारी, इनसे बड़ा घोटालाबाज कोई भारतीय राजनीति में। मदिया मैं लौटूंगी आपके पास, तो एक तरफ ये बीजेपी के दावे हैं जिनके जरिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी करती हुई नजर आ रही है और वहीं बीजेपी ने वो किस तरीके से जो अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री आवास रहा पिछले दिनों और उसको लेकर जो बीजेपी ने घेराबंदी की कि ये तो शीश महल, इतना पैसा अरविंद केजरीवाल ने इस पर खर्च कर डाला, उसी का जो मॉडल रखा हुआ है।